नेशनल हाईवे से लगी नालियां आवाजाही करते लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। अनेक स्थानों में नालियां खुली अवस्था में हैं, निकासी की व्यवस्था नहीं होने से नालियों में मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं। नेशनल हाईवे में चंद्रा मौर्या टॉकीज से लेकर पावर हाउस तक सड़क किनारे खुली नालियां आवाजाही करते वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। यहां थोड़ी सी भी लापरवाही वाहन चालकों विशेषकर दुपहिया चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अव्यवस्थित रूप से सड़क पर फैली गिट्टियां मुरम भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। नालियों में भरे पानी में मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं। निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी आसपास फैल रहा है। काफी वक्त से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई से लेकर रायपुर तक का ये जो सड़क हाईवे रोड है, इसके किनारे पे PWD के द्वारा एक नाली का निर्माण किया जा रहा। आधा अधूरा नाली का निर्माण को छोड़कर लोगों की जान जा रही, क्योंकि आए दिन जिस प्रकार की दुर्घटना भिलाई पावर हाउस से लेकर रायपुर तेलीबांदा तक जो 6 दिन के अंतर्गत में 1 लोगों की मृत्यु हो रही है, उसका एक कारण ये नाली भी है जिसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। जबकि दीपावली का त्यौहार आने वाला है, इससे पूर्व दुर्गा पूजा भी संपन्न हुआ, जहाँ पैदल चलने वाले दर्शनार्थी को काफ़ी तकलीफ हुआ था, परंतु उसके बावजूद अभी तक प्रशासन अपनी आँख मूंद कर सोई हुई है। ऐसे प्रशासन के चलते जिस प्रकार का आप खुद देख सकते हैं कि आधा अधूरा जो नालिया है उसमें अभी पानी, बरसात का पानी है, उसमें मच्छर भी पनप रहे हैं। और अभी जो आप यहाँ का रोड सीधा सीधा आप देख रहे हैं, इसके किनारे किनारे में जो नालिया है, अगर जो दो पहिया वाहन चालक अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर 4 पहिए वाहन को रास्ता दिखाने के लिए अगर किनारे मुड़ते हैं तो वो नाली के अंदर गिरना है। और अंधेरे में जो कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, तो उनकी जान उससे जाना है। इसके बावजूद हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि या तो उन्हें दिख नहीं रहा है या उनके उनके समझ से परे है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के सड़क की जर्जर अवस्था बनी हुई है, वही नाली का पूरे ढक्कने खुले हुए हैं, वही नाली आधा अधूरा छोड़ चुके हैं। यहाँ स्थिति से देखने को ये लगता है कि या तो हम लोग पहले से ही मृत हो चुके हैं, इस पर सुधार होनी चाहिए। और यदि जल्दी सुधार नहीं किया जाता है तो इसको लेकर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन एवं स्थानीय लोगों के माध्यम से यहाँ पर धरना दिया जाएगा और इस पर जल्दी ही अगर कोई कार्रवाई नहीं किया तो चक्का जाम जैसे आंदोलन करने के लिए मजबूर। बहरहाल व्यवस्था बनाने जिम्मेदारों को पहल किए जाने की जरूरत है, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका पर विराम लग सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।